तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह के 9:30 बजे से। और दिन भर में मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ और मैं दिखाती हूँ अभी मैं क्या करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी अभी। तो ये लौकी मैंने काट के रखा है और इधर है हरी मिर्च। ये हरी मिर्च मैंने बीच में से कट लगा के रखा है और इसको फ्राई करनी है। और इधर मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च, बिल्कुल भी तीखी नहीं है ये, मतलब ऐसी मीडियम है, तो ये रोटी के साथ अच्छा लगता है खाने में। और ये मैंने टेस्ट के लिए रखा है, काटा है इसमें। और मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी लौकी की सब्ज़ी में। और यहाँ पे मैंने देखो आटा ढक के, यहाँ पे मक्खी की ना बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों, कैसे फिनाइल से पोछा लगाते हो जब भी नहीं जाते ये मक्खी। आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो ज़रूर बताना मुझे, बहुत परेशान कर रहे हैं मक्खी। और इसमें मैंने आटा गूंद के रखा है ताकि मक्खी वगैरह परेशान बहुत बैठ रही हैं, इस पर हर चीज़ को अनहाइजीन कर दे रही हैं। तो चलो बाकी मैं दिखाती हूँ खाना बना के, फिर मैं आपसे मिलती हूँ रोटी वगैरह बना के और सब्जी बना के, खाना वाना बना के मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। तो खाना बना चुकी हूँ मैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सब्जी बना चुकी हूँ। और इसमें रोटी है, रोटी बना चुकी हूँ मैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ ईशान, देखो क्या कर रहा है। ईशान क्या कर रहा है भाई, पानी से क्या कर रहा है, खड़ा हो, क्यों नहीं नहाना बता, वजह क्यों नहीं नहाना, नहाएगा अभी तू, अभी नहीं लाऊंगी तेरे को, देखो नहाने का नाम सुनिए। तो देखो ईशान अब नहाएगा, चल भाई चल नहाने, चल नहा, चल नहा ले जल्दी नहा। जल्दी नहा, जल्दी नहा, जल्दी नहा, जल्दी। और ना ये क्या सा नहाना भाई, कौआ भी बढ़िया नहाता तेरे से ना, और ना हो की क्या ना, मामा, ना ना मुझे। तो नहा लो, जाओ ना? जाओ नहा लो, ना ना। तो नहा लो जाके, जाओ मुझे ना ना। फोन काटू, फोन काटू क्यों, आज की हालत तो चलो कपड़े धोते हैं, लाइट आ चुकी है, मैं मशीन लगा लेती हूँ, फिर आगे मैं अलमारी की सफाई करूँगी और कपड़े ठीक से लगाऊंगी। तो दिखाती हूँ मैं, लाइट आ चुकी है, ये देखिए। और टाइम भी देखिए 11:30 होने वाला है, तो चलो मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धोने हैं। शान कपड़े धोएगा, बर्तन देखिए यार, आप लोग बताना मुझे क्या एक टाइम में इतने बर्तन, मतलब मुझसे ना खाना तो ठीक है लेकिन बर्तन बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्यों, मैं कितना भी कोशिश करूं कि बर्तन कम गंदे हो, कम हो, लेकिन बर्तन तो मेरे से बहुत ज्यादा ही गंदे होते हैं, फिर धोने भी पड़ते हैं, पता चलता है धोने में मुझे। खैर धोने तो है ही। उसमें सर्फ डाल दिया जाए,
तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं देखिए, और बर्तन धोती हूँ मैं अभी। और ये देखिए, और कपड़े मैंने डाल दिए दोबारा से मशीन में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आ गई कि लाइट हमारी चली गई, तो परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी गर्मी वाली। तो चलो कपड़े खंगाल के, पानी से निकाल के और बर्तन धो के मिलती हूँ आपसे, और लाइट का इंतज़ार करती हूँ। और क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ये देखिए मैंने सुखा भी दिया यहाँ पे, और आंगन की भी सफाई कर दी, धुलाई करके पोछा वोछा मार दिया मैंने बिल्कुल, मशीन को भी चकाचक कर दिया, एकदम साफ कर दिया। ये देख लो और सूख जाएंगे, ये गर्मी है तो राजस्थान की गर्मी है, 2-2.5 घंटे में सूख जाएंगे कपड़े। तो बस बर्तन भी मैंने धो लिए, अब इनको लगाने जा रही हूँ मैं रैक में। और देखिए यहाँ पे भी मक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ रखा है बिल्कुल भी, कुछ भी कर लो कितना भी सफाई कर लो, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। चलो फिर बर्तन लगाती हूँ, उसके बाद अभी लाइट भी आ रही है तो सोच रही हूँ बेड शीट वगैरह भी बिछाना है। अभी देखती हूँ अलमारी का, पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी मैं अभी। बस अब शाम हो गया है बिल्कुल, देखो 4 बज चुके हैं। अब मैं कल ही करूंगी जो भी करना है, बाकी चाय वाय की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए पापड़, क्या बोलते हैं कमेंट में बताना मुझे, इसका नहीं पता से क्या बोलते हैं इसको, तेल या रिफाइंड में फ्राई करके चाय के साथ खाते हैं। तो बस वही जा रही हूँ मैं, अब इसको फ्राई करूँगी, चाय बनाऊँगी, और ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही बने रहना हमारे साथ, और ब्लॉग अच्छा लगे पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।